अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो रूटीन है मेरी जो नॉर्मली होती है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अभी मैं जा रहा हूं बैरिया टाउन, मेरा एक ऑर्डर है जो मुझे वहां पे देना है, तो चलते हैं बैरिया टाउन। तो चलो ड्राइवर। अच्छा भाई, तो मैं जा रहा था बैरिया टाउन एक ऑर्डर पे और रास्ते में हाईवे के ऊपर ये सिलसिला हुआ हुआ है, पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है। ट्रैफिक जाम है, आने वाला रास्ता जो है वो ब्लॉक किया हुआ है और ये झुग्गियों वालों, जो झुग्गी वाले हैं ये सारे यहाँ पर, तो इनकी कोई कैंपेन चल रही है यहाँ पर, पता नहीं क्या, वोट दो, पानी दो, घास दो, बकरा दो, पता नहीं क्या चला रहे हैं। बहरहाल ये बहुत बुरा हाल है इस वक्त हाईवे पर, और मैं जा रहा हूँ सब बैरिया टाउन और फिर मिलते हैं। जी हाँ, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैरिया टाउन के अंदर। और आप क्या समझ रहे हैं, दुबई है? नहीं, बैरिया टाउन ही है। और ये बैरिया टाउन का एंट्री गेट था जिसकी बहुत बेदर्दी से हालत टाइट कर दी गई थी, और अभी ऐसा लग रहा है कि कोई ढांचा खड़ा हुआ। और ये तो सब जानते ही हैं लोग कि तस्वीर वस्वीर खिंचवाने के लिए लोग बड़ा यहाँ पर इंजॉय करने आते हैं। अच्छा, बैरिया टाउन में गरीब पार्टी जो आती है इधर तस्वीरें फिर ज़बरदस्त खिंचवाती है। और अब मैं जा रहा हूँ वापस ऑफिस, सही है, और फिर मिलते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस बन रही हैं। तो ये बैरिया टाउन का जो ये एक गेट था जिसकी हालत टाइट कर दी गई थी, अब ये इसको सब लगे हुए हैं, इसके मज़दूर वजदूर उसको दोबारा बना रहे हैं और फिर इंशाल्लाह ये दोबारा बन जाएगा। और फिर दोबारा कुछ ऐसा होगा कि इसको दोबारा इसकी वाट लगा दी जाएगी। तो अभी हमें बैरिया टाउन, समझ रहे हो। और अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा ऑफिस, और आते हुए तो जो एक वीडियो थी मैंने बनाई है वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। और जब सुबह ऑफिस जब आ रहा था तो पता ही क्या हुआ, आओ दिखाते क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, जैसा आप देख सकते हैं ये गाड़ी उल्टी हुई है, ये पंजाब चौरंगी के पास इतने लोग खड़े हुए हैं। ये मेन पंजाब चौरंगी का रोड नीचे उतर रहा है, ये आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त ऑफिस के लिए आ रहा था और यहाँ पर ये कैसे हुआ सर, पता है कब हुआ ये? ये भी हुआ ना, और आगे से जानता जाइए। अंदर बंदा है कोई? दो बंदे थे, वो भी सही है ना? सही है, चलो यार अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है कि बंदे सेफ हैं। और ये बहुत बुरी हालत है यार, अल्लाह ने बचाया। आज वैसे भी रास्ते कुछ बंद थे, ये पुलिस आ गई है। ये बंदा है भाई जो बचत से माशाल्लाह बच गया। चलते हैं फिर इंशाल्लाह आगे बढ़े आते हुए। तो ये था सारा सीन जब मैं सुबह ऑफिस आ रहा था, तो ये सारा सीन हुआ। और उसके बाद रास्ते में अभी जब मैं बैरिया टाउन आ रहा था तो आपको दिखाया मैंने कि क्या था, मतलब एक अजीब ही सीन है भाई। दिखने को जब मैं निकलता हूँ जॉब से, जॉब के लिए, तो मैं यकीन माने कि मैं बड़ी दुआएँ मांग के और मतलब और अस्तगफार का विर्द, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा काम ऐसा है यार, हम लोग होते ही रोड में, तो ये चीज़ें तो दिमाग में मतलब चलती रहती हैं। और बाकी इंशाल्लाह फिर जैसा भी आगे होता है तो आप लोग से ज़रूर शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अब पहुंचना है ऑफिस।
तो भाई लंच तब का टाइम हो गया है मेरे और 3:15। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और भूख लग रही थी क्योंकि ऑर्डर करके आए तो उस टाइम में भूख बहुत टाइट लग रही होती है। तो सामने बर्गर वाला है तो उसको बोला कि यार एक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज और एक पेप्सी, लेकिन वो जो है पेप्सी भूल गया और बाकी लिया। बाकी अब लंच करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आप लोगों से और डिस्कस करता हूँ। तो भाई जितनी आज गर्मी थी और एकदम मौसम अभी चेंज हो गया, माशाल्लाह बारिश शुरू हो गई है और जैसा आप देख सकते हैं मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। लू चल रही थी और अब मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है क्योंकि अब जैसे गर्म हवा चल रही थी वैसे ही अब ठंडी चल रही है। और ये वो बच्चा थुके, ये वही बच्चा है जिसका मैंने जिक्र किया था और ये वीडियो में भी था, ये देखा ख्वार का बच्चा। कोई काम नहीं तेरे पास, अब ये सामने जाके बैठ जाएगा और बादल गरज रहे हैं बड़े ज़बरदस्त। जी तो मैं घर पे आ गया हूँ और बारिश ज़बरदस्त वाली हो रही थी, लेकिन ये कि बचत हो गई क्योंकि मैं घर पे पहुँच चुका था। और चलें वीडियो करते हैं फिर एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में और थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं और उस पर लाइक करते हैं, उसको कमेंट्स करते हैं, तो उन सब का तहे दिल से थैंक यू। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।